हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनता चैनल में। आज हम अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं चटनी की रेसिपी। आम की खट्टी मीठी चटनी है जो बहुत ही टेस्टी होती है और आप आराम से इसे घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। चटनी बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज के आम लिए थे, जिसे हमने छील के पतले पतले पीसेज में कट कर लिए हैं। थोड़ा सा हमने गुड़ लिया है, कुछ लहसुन की कलियां हैं, हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा नमक है। नमक की मात्रा इस चटनी में कम ही लगती है और थोड़ी सी चीनी है। चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इस चटनी को बनाने के लिए हमें गैस को जलाने की ज़रूरत नहीं है। इस चटनी को हम सिलबट्टे पे बनाएंगे। आप चाहे तो मिक्सर में बना सकते हैं अगर आपको सिलबट्टा नहीं है, लेकिन आम की खट्टी मीठी चटनी को हम सिलबट्टे पे बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास जो आम है एक कच्चे आम थे, लेकिन जब इसमें हमने छीला तो हल्का सा पीला निकला है। इसे कोई परेशानी नहीं, टेस्ट हमारी वही आएगी। आप इसकी जगह एकदम कच्चा आम ले लीजिए या हल्का सा हमारा पीला निकला तो इसे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम सिलबट्टे की तरफ चलते हैं। सिलबट्टे को हमने पहले से ही धो के इसे सुखा लिया है। अब हम एक एक करके इसमें सब पीस लेंगे। हमने आम वाला बाउल ले लिया है। आम वाले बाउल को हमें इसमें रख के से इसे क्रश करना है इस तरह से, जिसे आम हमारा एकदम सॉफ्ट पीसे, एकदम पतला पीसे। इस तरह से हम सारे आम को क्रश कर लेंगे। उनको हमने बट्टे की मदद से इस तरह से क्रश कर लिया है। अब इसे हमें पहले आम को पीस लेते हैं। इस तरह से इसे हल्का से एकदम हल्का से इस तरह से आम हमारा पका है, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं ले रही है। आपको पका हुआ आम नहीं लेना, अगर आपको कच्चा आम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमने मार्केट से लिया है, ये थोड़ा सा अंदर से पीला निकल गया। इस तरह से इसे हम पीस लेंगे। आम को हमने एकदम पतला पीस लिया है। अब हम इसमें ये गुड़ डालेंगे। गुड़ से इसे चटनी में अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको गुड़ नहीं पसंद है तो आप गुड़ नहीं डालिएगा, लेकिन हम गुड़ भी डालेंगे आम पीसने के बाद। सबसे पहले उसके बाद आपको गुड़ भी पीसनी है। तो सिलबट्टा ले लेते हैं, इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दीजिए कि हल्का जल्दी से पीस जाए। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो पानी डालिएगा, यही आम की वजह से गुड़ पीस जाएगा। देख लीजिए इस तरह से हम गुड़ भी पीस लेंगे। हमने गुड़ भी पीस लिया है। अब हम चीनी डाल देते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा मीठा पसंद हो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब इस साथ में ही लहसुन, हरी मिर्ची, नमक की मात्रा इसमें कम ही रखनी है। जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से करिएगा। इसे हम फिर पीस लेते हैं। चीनी को पीसने के लिए हमें इसमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चीनी थोड़ा सा दरदरा होता है, दाने में होती है। तो चीनी को पीसने के लिए हमें पानी चाहिए। इसमें हमने 1 चम्मच लगभग पानी डाल दिया है। 1-1 करके हमने सब कुछ पीस लिया है। अब इसे एक बार हम पीस कर देंगे, एक बार फिर बट्टे को चला देंगे। चटनी हमारी एकदम पतली पीसे इस तरह से। ये चटनी हमें सिलबट्टे भी अच्छी लगती है, ऑप्शनल है। आप मिक्सर में बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चटनी हम सिलबट्टे भी अक्सर बनाते हैं, लेकिन टेस्ट वही आनी है। अब इतनी पसंद होती है। फिर इस चटनी को हम एक बार फिर पीस देते हैं। चटनी को हमने पतला बारीक पीस लिया है। अब इसे हम सिलबट्टे से हटा के बाउल में निकालेंगे। ये देखिए चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही चटपटी होती है। तो चलिए इसे बाउल में उठा लेते हैं। चटनी को हमने बाउल में निकाल लिया है। हमारी सिलबट्टे वाली आम की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। इस चटनी को आप आराम से 10-15 दिन तक खा सकते हैं, ख़राब नहीं होती। चटनी को बनाकर आप फ्रिज में रख दीजिए एक डिब्बे में भरकर। ये चटनी आराम से चल जाती है, ख़राब नहीं होती। आप इसे पूरी पराठे जिससे आपको अच्छे लगे ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। सबसे अच्छी बात क्या है, आराम से बन भी जाती है। आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बस अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप उसकी जगह मिक्सर जार भी ले सकते हैं, लेकिन चटनी का टेस्ट वहीं आना है। अगर आपको चटनी बनाने का तरीका अच्छा लगा है
इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा, लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।